सचिन भैया के लिए हम लोग स्पेशल सियास करेंगे बाबू का अन्न प्रशन। तो सारा कुछ रेडी हो चुका है और सचिन भाई इतने दूर से हमारे लिए आए हैं तो इसके हे फैमिली वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल मिस्टर मिसेस प्रशून। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और गाइज आप सभी को पता है कि ये ब्लॉग कितना खास है तो जिसका इंतज़ार था वो वक्त आ चुका है और फाइनली मैं नहा धो के हो गया हूं रेडी। माँ यहां पे एकदम भाई साहब तैयार हो गई है और सौरभ मेरा भाई भी एकदम मस्त रेडी हो चुका है। बाकी जिसका इंतज़ार है वो तो भाई मैं नहीं पहचान पा रहा कि मेरी बीवी है कि नहीं है मैं खुद कन्फ्यूज हूँ। बाकी रजनी ने तो भाई ज़बरदस्त वर्क किया है और मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, पूरा फुल लुक तो दिखाऊंगा बट अभी थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूँ क्योंकि कितनी प्यारी लग रही है निशा। तो गाइज ये देखिए अभी चल रहा है मेकअप और रजनी जी एकदम भाई साहब गजब का काम किए हैं, ज़बरदस्त। मतलब क्या बताऊँ मैं, हई क्या जी हई कौन तैयार हो रहा है ज़रा देखें जरा देखिए। अच्छा अभी तैयार नहीं है, अच्छा हो रही है। बाकी निशा का तो मेकअप गाइज अभी फैबुलस लग रहा है फुल लुक और दिखाएंगे। हाँ फुल लुक आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा मुझे भी देख लीजिए, डिसेंट लग रहा हूँ, कूल लग रहा हूँ मैं। और बाकी ये सब देखिए सारी मेरी बहन लोग सबको एकदम मस्त रेडी हो रहा है। ओहो हो, अरे ये शख्स बहुत दूर से चल के आई है गाइज, बहुत दूर से। कौन है मैं भी आपको बताऊँगा, ये मेरी बुआ की बेटी है जो कोलकाता में ही रहती है, मेरी जो बड़ी बुआ है वो कोलकाता में रहती है तो बुआ के ऑप्शंस में ये आई लेकिन बहुत दिनों से गाइस हम लोग नहीं मिले थे तो समझ सकते हैं बहन की बात ही अलग रहती है। और खुशी की पार्टनर मिल गई है यहाँ पे, क्या खुशी, खुशी भी पूरी खुश हो गई है। तो इन लोग रेडी हो जाने देते हैं और तब आपको पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे। बाकी देखते हैं सचिन भाई क्या कर रहे हैं। सचिन भाई भी इधर मस्त रेडी होकर अपना ब्लॉग व्लॉग एडिट कर रहे हैं क्योंकि आप पैसा भेज रहे हैं मजदूर लोग क्योंकि गाइस अब ये बाबू को अन्नप्रशन करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके कारण ही हम लोग पूरा प्लान पोस्टपोन कर दिए थे कि नहीं भाई जब तक बच्चे के मामा नहीं पहुंच जाए, और इसीलिए आज फाइनली सचिन भाई बाबू को खिलाएंगे। तो वो भी सारा सेरेमनी वहीं पे होगा, पार्टी हॉल में ही होगा, तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही है और बहुत कुछ खास है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप लोग को हर वो चीज़ देखने के मिलेगा और आप होप आप लोग बहुत इन्जॉय भी करेंगे। और नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओ बेटू अब मामू आपको खिलाएंगे ना चलो मामा के गोदी में है और अब हम लोग निकलेंगे ही। क्या हो गया तो गाइस अब थोड़ा सा टचअप कर रही है ये मेरा, क्या क्या लगा लिए हूं बोल लूज पाउडर, ये भाई पूछो नहीं लगा है ये हम हम भी सब ना लगाए भाई मैं ठीक बनी। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं पार्टी हॉल में जाने के लिए और पीछे सचिन भाई क्योंकि एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, एक मिनट का सिर्फ रास्ता है घर से। तो अब वीडियो मेरी है देख रही है कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, है ना आदमी। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं, ये है वो पार्टी हॉल और यहीं पर होने वाला है आज। वेलकम बेटू, ए बेटू। और ये आदमी के मामा जी यहाँ पे हैं और ये है एंट्रेंस, ये देखो तो ये। और निशा उधर आ रही है। तो गाइस ये देखो निशा को माँ आ गई, चलिए चला जाए। तो चला जाए अब ऊपर और जाओ ना कपड़ा पहन का हो दादा साठा तोरे बगा। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हम लोग जो हमारा पार्टी हॉल है और अब से कुछ ही देर में फंक्शन शुरू होगा। और आप देखिए निशा को पूरी तरीके से कैसी लग रही है निशा, ये है
बाबू को अन्न प्रसन्न करवाया जाएगा, ये रहा। पापा जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी सचिन भाई बाबू को खिलाएंगे और अन्न प्रसन्न करवाएंगे। तो ये पूरा सच चुका है, चांदी का चम्मच एकदम और चांदी का कचौड़ी है। और बिटुआ हमारी इधर अपनी दादी के पास है और दादाजी के पास, और यहाँ पे अभी कुछ काम चल ही रहा है, सारा डेकोरेशन वेकोरेशन का सारा कुछ काम अभी चल रहा है। और हमारे जो फैमिली मेम्बर वो सभी तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, और पापा है यहाँ पे, दादू बेटू, दादू किधर है? ओए दादू के गोदी में जा रही है बेटू, दादू के पास हो क्या? ये देखो तो दादू के पास बेटू। तो अभी दादा दादी बाबू को संभाले हुए हैं, और अब बाबू का जो रस्म है वो होगा। सबसे पहले बाबू को अन्न प्रसन्न कल हो चुका है स्पेशल, और सचिन भैया के लिए हम लोग स्पेशल सेवा करेंगे बाबू का अन्न प्रसन्न। तो सारा कुछ रेडी हो चुका है, और सचिन भाई इतने दूर से हमारे लिए आए हैं, तो इसके लिए तो भाई मतलब हमेशा ऋणी रहेंगे हम लोग, बहुत प्यार है उनका। और एक बात और कहना था गाइस कि मनीषा को भी बहुत ज़्यादा हम लोग मिस कर, अगर वो रहती तो और चार चांद लगता, बट सचिन भाई हमारे लिए आए, उनके लिए मतलब स्पीचलेस वर्ड्स नहीं हमारे पास। और अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, तो सचिन भाई आएंगे और बाबू को अन्न प्रसन्न करवाएंगे, और फिर एक स्पेशल केक आया हुआ है, वो केक कट होगा। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फाइनली गाइज तितली को सचिन भाई ले लिए गोद में, और अब जो हमारा काम है यानी सबसे पहले सचिन भाई अन्न प्रसन्न करवाएंगे। तो फाइनली अब बारी है, बोलिए मुंटी मुंटी आजा। दे हमारा फोन दे। अपने से खाएगी वो, अपने से खाएगी। मेरा गिफ्ट तो गाइज यहाँ पे सचिन भाई ने अन्न प्रसन्न करवा दिया, और बहुत हम लोग खुश हैं कि उतने दूर से चल के हमारे लिए आए पैदल। नहीं पैदल, एक्चुअली कुछ थोड़ा दुखी भी हूँ कि ये मुझे एनिवर्सरी पे बोले थे लेकिन मैं जा नहीं पाया था, बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी था उस दिन, बट ये उतने दूर से चले आए, बिलीव नहीं था, बट सच में थैंक यू सो मच। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ हम पहुँच जाते हैं। बिल्कुल गाइस। तो